नमस्कार। टैक्सोनॉमी के अंदर आज हम बात करेंगे सिट्रस फैमिली की, अर्थात रूटेसी फैमिली की। रूटेसी फैमिली नींबू वर्गीय फैमिली कहलाती है, जिसके अंदर सिट्रस वंश प्रधान है। इसके अलावा मुराया, लिमोनिया, फेरोनिया आदि जेनेरा भी इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले इसकी वर्गीकृत स्थिति, सिस्टमेटिक पोजिशन को देखते हैं। बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार ये क्लास पॉलीपेटली में रखा गया है। उसके अंदर सीरीज डिस्की फ्लोरी, ऑर्डर जिरेनेलिस और फैमिली रूटेसी में। एंगर प्रंटल के वर्गीकरण के अनुसार ये आर्किक्लेमाइडी, देन जिरेनेलिस और उसमें रूटेसी फैमिली में आता है। उसके बाद हचिनसन का वर्गीकरण देखते हैं, इसमें लिग्नोसी, रूटेस और रूटेसी फैमिली में इसको रखा गया है। ये तीनों ऑथर के वर्गीकृत स्थिति हमने यहां पर कंसिडर की। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ करेक्टर्स की, इसके जो फैमिली के रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स एंड रेंज ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर में हम देखते हैं प्लांट हैबिट की। इसमें आने वाले जो प्लांट हैं इस फैमिली में, वो जनरली श्रब्स और ट्री, क्षुप या वृक्ष होंगे। क्षुप जिसके अंदर हम देखते हैं जिसे मुराया, लिमोनिया वो होंगे, और ट्री में हम देखें तो इसके अंदर एगेल, एगेल मार्बेलो अर्थात सिट्रस, फिरोनिया, लिमोनिया आदि आएंगे। पर इसमें हर्ब बहुत कम होंगे। हर्ब की बात करें जैसे रेयरली हर्ब है, रूटा ग्रेविलियंस एक इस फैमिली का प्लांट है, जिसके अंदर की जो एक वर्षीय शाक होगा, रेयरली हर्ब होगा, एनुअल हर्ब। इस पूरी फैमिली के प्लांट को देखें तो इसमें विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगी, एक खुशबू, एरोमेटिक स्मेल इसके अंदर पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी रूट की। इस फैमिली में जो रूट है सामान्य टेप रूट है। स्टेम, इनका जो तना होगा वो इरेक्ट अर्थात उर्द, वाईवी एरियल, सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार, ब्रांच्ड अर्थात शाकित, वुडी अर्थात काष्ठीय, सॉलिड ऑफन थोर्नी, और इसमें कई बार कांटे भी होंगे जैसे सिट्रस वंश के अंदर कांटे पाए जाएंगे तने पर, और ग्लैंड डोटेड होंगे। ये स्टेम हुआ। अब हम बात करते हैं इसके लीव्स की। इनकी पत्तियों के अंदर एक एरोमेटिक स्मेल, एक फ्रेग्रेंस पाई जाएगी, जिससे जो इनका अभिलाक्षणिक गुण है। इनकी पत्तियां सिंपल और कंपाउंड पिन्नेट प्रकार की हो सकती है। कंपाउंड पिन्नेट में देखते हैं मुराया, मुराया पिनिकुलेटा में स्मूथ है, अल्टरनेट और अपोजिट हो सकती है, पिटियोलेट अर्थात सेवरंथ है, ग्लैंडोटेट और ऑयल ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होगी। ये इनका अभिलाक्षणिक गुण है, इसमें वाष्पशील तेल होगा। ये इस फैमिली की लाक्षणिक विशेषता है, फैमिली रूटेसी की। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट, ग्लैंड विद एसेंशियल ऑयल, आवश्यक तेल इनके अंदर पाया जाएगा, जो इनकी विशेषता है। एक्स स्टिपुलेट अर्थात अननुपर्णीय, और एक श्रीय जालिका व शिरा विन्यास अर्थात यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशर इनके अंदर होगा। अब सिट्रस वंश की पत्ती को हम देखते हैं, पर्ण को देखते हैं। सिट्रस जो जेनेरा है उसकी पत्ती किस में कैटेगरी में कहलाएगी, वो होगी यूनिफोलिएट कंपाउंड लीव्स अर्थात एक पर्णी संयुक्त पर्ण ये होंगी। यहां हम इसकी लीव्स को देखते हैं, ये इनका पर्णक है और ये विंग्ड पिटियोल है। तो इनका जो पर्णक पत्ती कैसी होगी, एक पर्णी संयुक्त पर्ण, सिंगल लीफलेट विद विंग्ड पिटियोल। इनके अंदर केवल एक पर्णक होगा और पक्षमुक्त पर्णवृंत होगा। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाता है कि यूनिफोलिएट कंपाउंड लीव क्या है और इसका एग्जांपल दीजिए, डिफाइन यूनिफोलिएट कंपाउंड लीव्स एंड गिव देयर एग्जांपल। तो हम इसमें को इसके समझाएंगे कि सिंबल लीफलेट है और विंग्ड पिटियोल है ये, और इसका उदाहरण हम कहेंगे सिट्रस जेनेरा। तो ये हमने देखी रूटेसी फैमिली के लीव्स को। तो ये बात हुई इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की, जिसमें प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स को हमने कंसिडर किया। अब इसके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जो है यूजली साइम और एक्सिलरी और टर्मिनल कोरिम प्रकार का हो सकता है, ये वेरी करेगा जेनेरा टू जेनेरा। अब फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर इसके हैं पेडिसिलेट, सेवरंथ है, पेडिसिलेट है, मोस्टली हर्मेप्रोडाइट है, बट सम मेंबर्स आर यूनिसेक्सुअल। जायंगदर हाइपोगाइनस है, मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक है और रेयरली जायगोमॉर्फिक हो सकते हैं। कंप्लीट है अर्थात पूर्ण है, यूजली पेंटामेरस, ये पंचदई होंगे। लेकिन जो रूटा ग्रेविलियंस जिसकी हमने बात करी थी, एक वर्षीय शाक है, वो रूटा ग्रेविलियंस जो है वो उसमें जो लेटरल फ्लावर है वो टेट्रामेरस होंगे, वो चतुर्थई होंगे। अर्थात रूटा ग्रेविलियंस में जो पार्श्वी पुष्प है वो चतुर्थई होंगे। इसके अलावा त्रितई भी हो सकता है जैसे ट्राइफेजी आदि में। उसके बाद बात करते हैं हम कैलिक्स बाह्य दल पुंज की। इनकी जो संख्या होती है नंबर ऑफ सेपल्स 5 और 4, 5 या 4 हो सकती हैं।
पोलीसेपेलस, जनरली पोलीसेपेलस होंगे और कभी कभी ये गेमोसेपेलस भी हो सकते हैं। दलपुंज की बात करते हैं कोरोला, इनमें पेटल्स की नंबर ऑफ पेटल्स 5 और 4 हो सकते हैं। पोलीपोटेलस हैं, रेयरली गेमोपेटल्स हो सकते हैं और यूजली व्हाइट कलर के होंगे। अब पुंकेसर और जायांग को हम देखते हैं जो कि एसेंशियल फूरल्स बनाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। सबसे पहले पुमंग की बात करते हैं, एंड्रोशियम की, और एंड्रोशियम में हमें बहुत विभिन्नता देखने को मिल रही है, वेरिएशन इन डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग जो मेंबर हैं उनके अंदर, इनके अंदर संख्या में विभिन्नता देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं इनकी संख्या जनरली जो होगी 10 से लेकर के अनंत तक हो सकती है, 10 और इंडेफिनिट 10 या अनंत होंगे ज्यादा। सिट्रस वंश की बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा एक वंश है जिसमें कई स्पीशीज है। सिट्रस वंश के अंदर नंबर ऑफ स्टेमेंस इंडेफिनिट, असंख्य पुंकेसर है और जो दशा है वो है पोली एडल्फस अर्थात बहुसंगी। बहुसंगी का ये चित्र हम एक रफ डायग्राम यहां पर देख रहे हैं, जैसे हमने देखा था पहले मोनोडल्फस, मोनोडल्फस में मैंने बात करी थी चाइना रोज, हिबिस्कस, मालवेसी फैमिली की, ये अभी हम देख रहे हैं पोलीडल्फस। तो ये मोनोडल्फस भी हैं, कई बार कई कुछ फैमिली डाइएडल्फस होगी और ये पोलीडल्फस। तो पोलीएडल्फस का एक उदाहरण हमने को सुंदर उदाहरण यहां देखने को मिल रहा है, उदाहरण है सिट्रस वंश। क्या होगा पोलीडल्फस में बहुसंगी दशा में, क्या होगा इसके अंदर? ये होगा कि जो स्टेमेंस के फिलामेंट है वो कई बंडल के अंदर जुड़ जाएंगे। स्टेमेंस के जो फिलामेंट है, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन मेनी बंडल्स, ये बहुत सारे बंडल में जाएंगे, फिलामेंट संयुक्त होकर कई समूह बनाएंगे, ये कंडीशन हम देख रहे हैं, इसको कहेंगे पोलीडल्फस, बहुसंगी अवस्था। अब मुराया जो महत्वपूर्ण जेनेरा, दूसरा मुराया पेनिकुलेटा, मुराया की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 है और वो 10 कैसे पाए जाएंगे, 5+5 इन टू वर्स, दो चक्र में होंगे, 5+5 के दो चक्र में होंगे। और जो दशा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने योग्य है, वो दशा होगी ओब्डिप्लोस्टेमेनस, ओब्डिप्लोस्टेमेनस दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी, दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी होंगे। और ये परीक्षा में पूछा जाता है, डिफाइन कीजिए, परिभाषा दीजिए ओब्डिप्लोस्टेमेनस की, दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी को परिभाषित कीजिए। तो इसके अंदर होगा क्या ओब्डिप्लोस्टेमेनस में, ध्यान से देखिए, यहां लिख दिया है Having the stamens in two whorls, with those of the outer whorls opposite the petals and the inner whorls alternating with them. इसका मतलब जो stamens का जो बाहरी चक्र है वो दल के सामने होगा और भीतरी चक्र जो है वो अल्टरनेट उसके सामने होगा। तो ये ओब्डिप्लोस्टोमेनस कंडीशन होगी। इसकी जो अपोजिट अवस्था होती है एक डिप्लोस्टोमेनस, वो बाद में देखेंगे जब उसकी फैमिली और उसका उदाहरण हम देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है ओब्डिप्लोस्टेमेनस। तो ओब्डिप्लोस्टेमेनस में उदाहरण क्या देंगे, मुराया। बहुसंगी अवस्था पोलीएडल्फस का उदाहरण हमने देखा सिट्रस, और ओब्डिप्लोस्टेमेनस दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी, इसका उदाहरण हमने देखा मुराया। अब इनके पराकोष जो पूरी फैमिली में पराकोष कैसे होंगे, डाइथिकस, डिकोस्टी, बेसिफिक्स्ड है ना, आधार लग्न और इंट्रोस अंतर्मुखी, इस प्रकार के पुंकेसर यहां पर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की गायनोशियम, जायांग की, जायांग उसकी गायनोशियम में कार्पस की संख्या है 2-2 मल्टीकार्पली, दो या बहुअंडपी कंडीशन यहां पर होगी ज्यादातर। और सबसे पहले हम देखते हैं मुराया के अंदर, मुराया पेनिकुलेटा, मुराया के अंदर जो है क्या कंडीशन है, बाइकार्पलरी द्विअंडपी अवस्था देखने को मिलेगी। और सिट्रस जेनेरा में देखेंगे तो यहां होगा बहुअंडपी मल्टीकार्पलरी। तो दो इंपॉर्टेंट जेनेरा, जैसे क्रूसीफेरी में दो इंपॉर्टेंट जेनेरा कंसीडर किया था, ब्रेसिका और आइबेरिस। यहां दो इंपॉर्टेंट जेनेरा हमारे सामने है, मुराया और सिट्रस। तो मुराया में बाइकार्पलरी, सिट्रस के अंदर मल्टीकार्पलरी। ओवरी अंडाशय जो है सुपीरियर अर्थात ऊर्ध्ववर्ती, सिनकार्पस युक्तांडपी, अक्षीय बीजांडन्यास, इस फैमिली में जो बीजांडन्यास होगा अक्षीय बीजांडन्यास, और हम कई कभी भी नींबू को नारंगी को काट के देखते हैं साफ दिखाई देता है अक्षीय बीजांडन्यास, एक्सेल प्रेजेंटेशन और मल्टीलोकुलर बहुकोष्ठ जितने बीजाणु होते हैं। और जो इसकी विशेषता, ए प्रोमिनेंट नेक्ट्रीफेरस डिस्क बिलो द ओवरी इज ऑलवेज प्रेजेंट, जिस पर ओवरी के नीचे एक एनुलर डिस्क प्रेजेंट होगी पाई जाएगी इनके अंदर। तो ये हमने देखा इसका जायांग के बारे में इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। अब बात करते हैं फल की, फ्रूट्स में भी कैप्सूल, बेरी और हेस्पिरिड, कई जनरा में कैप्सूल प्रकार का होगा, कुछ में बेरी प्रकार का होगा, ज्यादातर जो सिट्रस वंश है वो उसमें हेस्पिरिडियम प्रकार का फल पाया जाएगा। बेरी में बहुत सुंदर देखते हैं हम, जो मुराया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सुंदरता के लिए उगाया जाता है बक्स का प्लांट, उसमें बेरी प्रकार के फल होंगे। और हेस्पिरिडियम फल की बात करते हैं जो कि एक जिसको नारंगक कहेंगे, जो विशेषता है सिट्रस फैमिली की, उनमें जो फल का प्रकार है वो हेस्पिरिडियम,
और हेस्पिरिडियम फल को भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फल भित्ति है हेस्पिरिडियम में वो तीन लेयर में बटी होगी, फ्रूट लेयर्स, थ्री लेयर में बटी होगी, आउटर फ्रूट लेयर, मिडल फ्रूट लेयर, इनर फ्रूट लेयर। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर फ्रूट लेयर, जो बाह्य फल भित्ति है, वो बाह्य फल भित्ति एपोकार्प जिसको कह सकते हैं, वो होगी मोटी थिक होगी। दूसरी जो मिडल फ्रूट लेयर है मिजोकार्प जिसको कहेंगे, वो फाइबरस होगी, रेशेमय होगी। और जो इनर फ्रूट लेयर है जिसको हम एंडोकार्प कह सकते हैं, वो है मेम्ब्रस, झिल्लीमय होगी। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अंदर वाला है इनर फ्रूट लेयर। हम किसको खाते हैं पूछा जाता है, नारंगी में क्या खाया जाता है, तो इसमें ये जो इनर फ्रूट लेयर है जो कि मेम्ब्रेनस है और जो फ्लेशी प्लेसेंटा को घेरे रहती है, फ्लेशी प्लेसेंटा को घेरे रहेगी ये मिजोकार्प, ये एंडोकार्प लास्ट वाली अंतरफल भित्ति रसीले प्लेसेंटा को घेरे रहती है और प्लेसेंटा ही इसके खाने योग्य भाग है। नारंगी में जो खाएंगे, संतरा में जो खाएंगे, नींबू में जो खाएंगे, वो है रसीले प्लेसेंटा, फ्लेशी प्लेसेंटा जो कि खाने योग्य भाग है सिट्रस फैमिली के अंदर, ये हम लिखेंगे, और जो कि ये इसको घेरे देगी। और इनका जो फल है वो विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जिसके अंदर विटामिन सी हमें बहुत तरह से मिलेगा। अब हमने देखा इसके अंदर इंपॉर्टेंट मुराया को और सिट्रस को, इन दो को कंसीडर करके हम इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात हमने देखी उसके बाद हम अभी ये चैप्टर में आज हमने के रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर की बात इस चैप्टर के अंदर करी है। अगले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रूटेसी के फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इसके डायग्नोस्टिक फीचर और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। थैंक्स।